नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच अजय चैनल का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि कॉमनली यूज की जाती है, और यह अपने घर पर फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और हमारे चैनल में नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट एड बॉक्स में कौन सी मेडिसिन रखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन, बुखार, दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, कब्ज, वोमिटिंग, डायरिया आदि में कौन सी दवा लेते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी के घर में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें हम फर्स्ट एड मेडिसिन भी कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, कब्ज, गैस, उल्टी आना या डायरिया, यह सब कॉमन प्रॉब्लम है और आपके पास इन सभी की मेडिसिन घर में होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुखार के लिए कौन सी मेडिसिन होती है, क्योंकि बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है। इसके लिए इसकी मेडिसिन आपके पास घर पर होनी चाहिए। इसके लिए कॉमनली पैरासीटामोल 500 mg यूज की जाती है। ये मेडिसिन बड़ों में यूज की जाती है, बच्चों के केस में टाइलोन सिरप यूज किया जाता है। और याद रहे कि ये सभी खाना खाने के बाद ही ले। अब आगे बात करते हैं पेन क्लियर कि शरीर में दर्द के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं। अगर किसी के शरीर में दर्द होता है तो आपको उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, तो इसके लिए एक आती है नेसाइड, यानी कि NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी। और इसके अंदर आते हैं आईबीप्रोम, डाइक्लोफेनिक, एसिलोफेनिक, और इसी के साथ आप PCM या पैरासिटामोल भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। और इसके लिए सफिशियंट मेडिसिन है जीरोडोल पी, ये आपको जीरोडोल नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और इसमें दो मेडिसिन होती हैं, एसिलोफेनिक और PCM, और यह इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है और यह बहुत जगह यूज की जाती है। इसके लिए मेडिसिन भी आपको अपने घर पर रखनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी, गैस या तेजाब बनना, तो यह भी एक आम समस्या है। आपके पास इसकी भी दवाई होनी चाहिए। देखिए इसके लिए दो तरह की दवाई यूज की जाती है, एक है रिनेटाडिन और दूसरे है पेंटेपरासोल। इन दोनों के कैप्सूल आते हैं, तो आप इन्हें खाली पेट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके कुछ ब्रांड नेम भी दिए हैं, रिनेटाडिन का है रेंटेक और जेंटेक। इन दोनों आपसे आपको यह मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, तो आप इन्हें भी अपने घर पर रख सकते हैं। जबकि पेंटेपरासोल का जो कैप्सूल आता है उसका नाम है पेंटेप 40, या फिर इन्हीं अन्य नाम से भी आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको याद रहे कि यह मेडिसिन आपको खाली पेट ही लेनी है। देखिए यदि आपके गैस बनने के साथ में जलन होती है, यदि आपके खाना खाने के लेने में जलन होती है, तो आप डाइजिन भी ले सकते हैं। डाइजिन एक एंटा एसिड है और यह काफी यूजफुल होती है, तो आपको यह भी अपने घर पर रख लेनी है। और अब बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए, यानी कि उल्टी आना या जी मिचलाना। इसके लिए आपके पास कौन सी दवाई होनी चाहिए। इसके लिए कॉमनली दो मेडिसिन होती है जो कि है ओंडास्टोन एंड डोमिपेराडोन। ये दोनों ही जेनरिक नेम है जो कि मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। इसके कुछ ब्रांड नेम है, डोमिपेराडोन के हैं मोटोटीएम और ओंडास्टोन के हैं ओमेटिक। ये दोनों मेडिसिन काफी ज्यादा यूजफुल होती है। यदि किसी का जी मिचलाता है, उल्टी आती है, तो ऐसी कंडीशन में आप यह मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो यह मेडिसिन भी आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और आगे बात करते हैं अब कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के लिए कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होती है। इसके लिए बेसक ओडली मेडिसिन यूज की जाती है, यह आपको मेडिकल में बुलकोप्लेक्स नाम से मिल जाती है। इसके अलावा सालम हक्स भी, यानी कि इस गोल की बूसी भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, इसको भी आप स्टेट बॉक्स में रख सकते हैं। अब बात करते हैं डायरिया एंड लूज मोशन या फिर दस्त के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो इसके लिए एक गोल आती है जो कि पीले रंग की होती है, उसका नाम है लोप्रामाइड। तो यह आप इसके लिए यह गोली यूज कर सकते हैं। यह मेडिसिन आपको रोको नाम से मिल जाती है, रोको इसका ब्रांड नेम है। इसके साथ में आप लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन जो हमारे शरीर के बैक्टीरिया होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज कर सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रोल भी ले लेना चाहिए, इससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूरा हो जाए। अब यहाँ पर है कोल्ड रनी नोज एलर्जी, यानी कि आप जुकाम या एलर्जी के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं कर सकते हैं, या फिर आपके पास इसके लिए कौन सी दवाई होनी चाहिए। यदि हमें कई बार कीड़ा काट लेता है, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास दवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए दो मेडिसिन यूज की जाती है, सिट्रिजिन और एविल नाम से।
से जो मिलती है। तो आप इनमें से कोई भी दवाई अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि यदि किसी को एलर्जी हो जाती है या तो कोई कीड़ा काट लेता है, तो ऐसी कंडीशन में सिट्राजिन या फिर एविल दे सकते हैं। तो इसको आप अपने पास कर पर रख सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। और जो बात करते हैं चोट लगने पर, इंजरी होने पर कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है, यदि किसी को चोट लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में एंटीसेप्टिक ऑन्टीमेंट क्रीम यूज करते हैं, जिसका नाम है पोविडीन लोडीन। आपको यह मेडिकल स्टोर पे बिटाडीन नाम से मिल जाता है। इसके अलावा आप सोप्रामाइसिन भी यूज कर सकते हैं। तो यह दोनों ऑन्टीमेंट है जो कि चोट लगने के लिए यूज करते हैं, और आपके पास एड बॉक्स में यह दोनों होनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत उपयोगी है और फायदेमंद है। आगे बात करते हैं ब्रेन में जल जाना, यदि कोई जल जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक क्रीम आती है जिसका नाम है बर्नोल क्रीम। यदि किसी का हाथ जल जाता है या शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप बर्नोल क्रीम यूज कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट एड मेडिसिन है, जिसको भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जाना है जो कि कॉमनली यूज की जाती है। हमारे साथ बने रहने के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।